सूरह निसा की आयत है 48। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء। इस आयत का तर्जमा क्या है जानते होंगे आप लोग जी। बेशक अल्लाह माफ़ नहीं करता है कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और जो शिर्क के अलावा गुनाह हैं तो वो जिसके लिए चाहे माफ़ कर देता है। ये इस आयत का तर्जमा हुआ। इससे क्या मालूम हुआ? नंबर एक, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह, शिर्क सबसे संगीन, सबसे ख़तरनाक गुनाह है, शिर्क सबसे अजीम बुराई है। इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं, इससे बुरी चीज़ कुछ भी नहीं। तमाम गुनाहों में पहले नंबर पर क्या है? शिर्क है, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना। और हदीस में भी बयान है, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, पूछा गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अय्यु ज़म्बे आज़म, कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? अंतज अला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का। सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह का किसी को शरीक बनाओ, हालांकि अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया है। तो इससे मालूम हुआ कि शिर्क क्या है? सबसे बड़ा गुनाह है। और इसलिए अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करता।